सो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है आईफोन 6 जो कि एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है। तो हम इसे देखते हैं, रीस्टार्ट करके पावर बटन दबाने पर भी वापस एप्पल आके रुक जा रहा है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर की वजह से भी होता है और हार्डवेयर की वजह से भी होता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर करके ट्राई कर लिया बट एरर हो जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है इसमें। तो हम इसे देखते हैं कि कैसे फिक्स होगा। तो सबसे पहले इसे अनस्क्रू करते हैं, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो आप वैक्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं बट हाथ से ही नॉर्मली निकल आता है, अगर थोड़े से नेल से हैं ओपनर की मदद से। तो देख सकते हैं कि ये अभी भी अटका हुआ है। तो फोन ओपन हो गया है। अब इसमें दो स्क्रू लगे रहते हैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर, जो पैकिंग प्लेट लगी रहती है। तो बैटरी कनेक्टर हम सिंपली रिमूव करते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले बैटरी चेंज करके देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फोन्स में बैटरी का ही प्रॉब्लम होता है। तो पुल टेप इसका बहुत पुराना होने की वजह से, पुल टेप से बैटरी निकल नहीं रही है। तो हम इसे ओपनर की मदद से ही निकालेंगे। पुराना फोन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिपक गई है, वरना पुल टेप खींचने से ही निकल आती। तो हम इसमें सिंपली आइसोप्रोपेट अल्कोहल डाल के से निकाल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो हमारी बैटरी निकल आई है और हम नई बैटरी लगा के इसमें चेक कर लेते देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, फोन ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सिर्फ बैटरी बदलने से ही हमारा फोन ऑन हो चुका है। तो ये वर्किंग कर रहा है प्रॉपर। इसे फिक्स करते हैं बैटरी को। तो सबसे पहले हम इसमें स्टिकी टेप लगाएंगे ताकि ये बैटरी अंदर हिले ना, अच्छे से चिपक जाए। बैटरी इसमें हमने लगा दी है और हल्का सा प्रेस कर देते हैं, ये फिट हो गई है। तो इसे हम वापस से पैक कर देते हैं पूरा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ऐसी हिंदी में और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।